तो देखिए, अप्रैल के महीने में एक बार फिर से बर्फबारी ने यू टर्न ले लिया है पहाड़ी इलाकों में। बीती दो दिन की अगर हम बात करें तो खूब बर्फबारी हुई है, जिससे वहां अब जो है बर्फ की मोटी चादर देखने को मिल रही है। बद्री विशाल से लेकर केदार धाम तक का कुदरत ने काफी हद तक शानदार श्रृंगार किया है। आप भी देखिए, अप्रैल का महीना भले ही शुरू हो गया है, लेकिन एहसास कड़ाके की ठंड वाले जनवरी का हो रहा है। अप्रैल के महीने में पहाड़ों पर सफेद संगमरमरी बर्फ जनवरी जैसी फीलिंग दे रही है। चाहे हरिधाम बद्रीनाथ हो या फिर शिवधाम केदारनाथ, चारों ओर बर्फ की सफेद चादर है। बद्रीनाथ धाम में हर तरफ बर्फ की चादर बिछी है। देवभूमि बद्रीनाथ धाम की सुंदरता पर इस बर्फबारी ने चार चांद लगा दिए हैं। आसमान से गिरते सफेद फाहों के बीच भगवान बद्री विशाल का धाम और भी मनोरम लग रहा है। मशीनों से लेकर निर्माण के दूसरे साजो सामान पर बर्फ की मोटी परत चढ़ी है। भगवान बद्री विशाल के कपाट इस बार 27 अप्रैल को खोले जाने हैं। इस बीच बर्फबारी के कारण मास्टर प्लान से जुड़े कामों में बाधा आई है। कुछ ऐसा ही आलम महादेव के धाम केदारनाथ में देखने को मिल रहा है। हिमपात ने बाबा केदार के धाम का अद्भुत श्रृंगार किया है। केदार धाम में हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है, क्योंकि बर्फबारी का सिलसिला यहां थम ही नहीं रहा है। अप्रैल शुरू हो गया है, लेकिन केदार धाम में बर्फबारी बदस्तूर जारी है। हालत यह है कि केदार धाम में निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाली मशीनें भी बर्फ से ढक चुकी हैं। 15 अप्रैल से धाम में स्थानीय लोगों की आवाजाही शुरू होनी है, जबकि 25 अप्रैल को बाबा केदार के कपाट आम भक्तों के लिए खुलने वाले हैं। लिहाजा समय पर यात्रा के पुख्ता इंतजाम करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। बद्रीनाथ धाम से कमन नयन सिलोड़ी और रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, गुड न्यूज टुडे।